हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो पेपर धांधली का जो गजट पास होना था दोस्तों। तो सबसे बड़ी दोस्तों आप लोग के लिए खुशखबरी है कि गजट पास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। आपको झारखंड में धांधली को रोकना है तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। और दूसरा स्टेप, यदि एग्जाम करवाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको एनी हाउ 15 तारीख को रांची पहुंचना है और जेएसएससी ऑफिस में ताला लगाना है और विधानसभा घेराव करना है, ठीक है। चाहे कोई भी छात्र हो, ठीक है, आपको जाना ही जाना है। नहीं जाइएगा तो बहुत बड़ा बाद में पछताइएगा, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और सीजीएल वाले छात्र को जाना ही जाना है दोस्तों, एनी हाउ उसको जाना ही जाना है, ठीक है। कुछ लोग को दिक्कत है कि नहीं, जैसे सीजीएल के लिए प्रोटेस्ट है, नहीं दोस्तों, जैसे सीजीएल को आगे इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो 8 साल से लटकता आ रहा है, लेकिन वो सारा एग्जाम का बात होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आपको क्या तय करना है डिसीजन, एग्जाम करवाना आगे कि नहीं करवाना है। और दोस्तों जैसे सीजीएल का एक खासियत आपको बात पता होगा, 11 बजे एक वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, क्या सच्चाई है उसमें, जैसे सीजीएल होगा कि नहीं होगा, कितना सच्चाई है और क्या कैसे सच्चाई कैसे हो सकता है और क्यों क्यों नहीं होगा, उस वीडियो में बताया दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा 11 बजे वीडियो में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, जेएसएससी और जेपीएससी का कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट होता है झारखंड से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा एग्जाम के लिए आप ध्यान दें। देखिए तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये 33 पेज का है, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हम दिखाने वाले हैं आपको। अब उम्मीद है दोस्तों कि जब ऐसा नियम लागू हो ही गया है, ठीक है, अब देखिए गजट पास हो गया मतलब लागू हुए नियम, तो एजेंसी और दलालों का अब खैर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इस पर कितना लोग डरते हैं, कितना, हालांकि देखिए गजट पास हो गया दोस्तों अब डरना चाहिए, ठीक है। पहले क्या था ना, पहले से सिर्फ बोला गया था कि हम लोग नियम लाए हैं, पास नहीं हुआ था। गजट पास होने का मतलब अपने नियम कहलाता है, आगे अगला स्टेप मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार नियम बन जाने के बाद शायद डरेगा सब, डर तो सभी के अंदर होता है दोस्तों, कितना बड़ा एजेंसी क्यों ना हो, कितना बड़ा दलाल क्यों ना, डर तो सभी में होगा क्योंकि तगड़ा वाली इसमें कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख सकते दोस्तों झारखंड गजट, आप देख सकते दोस्तों ये 29 नवंबर, हालांकि गजट में अभी 29 नवंबर का है, ठीक है, लेकिन गजट अभी आया है साइट पर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक 22/11/2023 को अनुमति दे चुके हैं, देखिए दोस्तों 22 नवंबर को ही अनुमति दे चुका है, कौन, गवर्नर से इसे वीडियो बना चुके थे हम, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम और निवारण के उपाय 2023, झारखंड अध्ययन संख्या 15/2023। देखिए दोस्तों हम तो बोलेंगे दोस्तों बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों ये देखा जाए तो, ठीक है, ये नियम होना बहुत जरूरी है, खुलेआम पैसा पे बिक रहा है भाई, खुलेआम। अब इस शायद सचिवालय परीक्षा में शायद इस तरह का देखने को ना मिले, इसीलिए बोलते दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम तो देखिए आप लोग प्रोटेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा 15 तारीख को, तब आपका एग्जाम जनवरी में हो रहा है, नहीं कीजिएगा तब का एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। वीडियो में देख लीजिएगा, बताएं बहुत कुछ बताएं, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये सब देख लीजिए, विषय सूची है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, परिभाषा, ये सब, चलिए कोई बात नहीं, ये सब आप लोग देख सकते हैं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में ये सब लिखा गया, ठीक है। राज्य में हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्रों का प्रकटीकरण की घटनाओं में सामने आया भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों की चेतना की बुरी तरह प्रभावित किया गया है। देखिए बुरी तरह किया गया, बिल्कुल किया गया दोस्तों, एकदम परेशान कर गया। गरीब लोग को तो कुछ पूछता ही नहीं झारखंड में, पैसा वाले का आदमी नौकरी लग रहा है, ठीक है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड अधिरोपित किए जाने हेतु कानूनी सब प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। देखते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता दोस्तों, होना भी बहुत जरूरी था, बहुत अति आवश्यक था ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। सो भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में झारखंड राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो, ठीक है, इसका नाम देखिए क्या हो गया, बस ये सब चीज़ देखना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ का यह अधिनियम झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य पर होगा और यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की तिथि के प्रभाव से होगा, ठीक है, प्रवृत्त होगा, देख सकते हैं ये सब चीज़ देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, देखिए सब कंडीशन लिखा हुआ है आपको, देखिए ठीक है, कि इस अधिनियम में जब तक किसी विषय संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल ना हो, बहुत सारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, डाल देंगे आपको टेलीग्राम में, ठीक है, 33 पेज का PDF है, ठीक है, उस टेलीग्राम में हम डाल देंगे आपको, वहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। और अब देखने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए लागू हो रहा है, ठीक है, झारखंड में। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कौन कौन एग्जाम के लिए दोस्तों, झारखंड जितना भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों सभी में ये लागू होने वाला है, ठीक है। तो चोरी डकैती अब जो भी करना है, एजेंसी, आयोग, दलालों और छात्र भी थोड़ा सतर्क हो जाइएगा अब, ठीक है, पैसा भी जाएगा, जेल भी जाएगा, नौकरी भी नहीं लगेगा, ये काम बहुत पहले से करना चाहिए, लेकिन चलिए दूर आया दुरुस्त आया। और ये सचिवालय के लिए छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बस एग्जाम एक बार ले ले वो, देखिए देखा जाए तो बहुत अच्छा टैलेंटेड लोग का, जो मेहनत कर उसी का नौकरी लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के लिए लागू है, अब मार्कशीट गायब नहीं होगा, अब गायब होगा तो देखते हैं कि उसका कार्रवाई कितना होता है, ठीक है,
नहीं होगा गायब, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, जो भी जेपीएससी आएगा अच्छा से कीजिए, शायद ये सब चीज़ आप नहीं होगा, क्योंकि बहुत कठोर सजा है दोस्तों, तो नहीं होना चाहिए। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन जेएसएससी का एग्ज़ाम जितना भी अभी हो अब आगे होगा, धांधली नहीं होगा, जितना हुआ तो हो चुका है, ठीक है। जिसको धांधली करवाना था पीजीटी लेवल असिस्टेंट जेएमई करवा चुका, अब आगे नहीं होगा, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा नियुक्ति या गठित कोई अन्य पदाधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति, इसमें झारखंड राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय में भी जब उसका एग्ज़ाम होगा उसका में लागू हो जाएगा। झारखंड अधिवृत्त परिषद जैक में भी जैक का भी नियम लागू होगा। झारखंड सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक लोक उपक्रम पीएसयू, ठीक, उसमें भी लागू होगा ये। कोई सोसाइटी निगम स्थानीय निकाय, देखो सोसाइटी निगम स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णता अथवा असंता स्वामित्वाधीन समस्त सार्वजनिक लोक उपक्रम, इसमें भी लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकार में, उसमें मतलब इस समय स्टेप में देख लीजिए, तो देखिए मेन एग्जाम देखिए जेपीएससी तो सब लड़कों का फोकस होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जेएसएससी में होता है, ठीक है। और सबसे घटिया भी वही काम कर रहा है जेएसएससी, इसमें कुछ अभी हो नहीं रहा है, तो वही इसलिए बहुत जोरदार प्रोटेस्ट होने वाला है 15 दिसंबर को, ठीक है। जितने भी छात्र जरूर पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा तो अपने आप में अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। अभी लॉलीपॉप के लिए आपको एग्जाम कैलेंडर निकाल देगा ताकि आपको शांत हो जाए, लेकिन शांत आपको नहीं होना है। यही शांत की कमी से आपको फायदा उठाया जा रहा है दोस्तों, नाजायज फायदा इसको बोलते हैं, उठाया जा रहा है और एग्जाम बार बार टाला जा रहा है, ठीक है। और एक वीडियो बनाया 11 बजे, देख लीजिए एग्जाम कितना होने चांसेस है, आप पर डिपेंड करता है। आप चाह रहे एग्जाम होना चाहिए और जून जुलाई तक रिजल्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए, तो आप पर डिपेंड कर रहा है, आपको जोरदार विरोध करना है। और नहीं तो दोस्तों आप जुलाई अगस्त एग्जाम होगा, बाकी देख लीजिएगा वीडियो में क्या क्या बोलने पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा ये आंदोलन होने वाला है 15 दिसंबर वाला, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और अच्छी खबर आप लोग इसी बीच में आ गए कि आपको गजट भी पास कर दिया गया, इससे बढ़िया खुशखबरी क्या हो सकता है बताइए, ठीक है। तो अच्छी बात है दोस्तों पास हो गया। बाकी हम टेलीग्राम जिसको पढ़ना होगा पूरा पीडीएफ को, 33 पेज का पीडीएफ है, वो हम डाल देते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम का क्या नाम है, जेएसएससी वाला नाम है, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप लोग एक समय से खुशखबरी समझ सकते हैं, मतलब खुशखबरी नंबर 1 है, ठीक है। और खुशखबरी नंबर 2 कब होगा, 15 दिसंबर को होगा। बस दो चीज़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसको लागू होने के बाद कितना क्या 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 हो पाता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा ना लागू हो कितना डरते हैं, कितना सीट बेच पाता है, नहीं बिकता है, या फिर टैलेंटेड लोग का जॉब होगा। अब देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए इस नियम से दोस्तों आपको बता दे रहे हैं लगभग 50% विधायक जो लोगों को खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ये सब काम करता था उन लोगों को पैसे कमाने जरिया था ये, अब हो सके उन लोगों को बंद हो जाएगा शायद, ठीक है। तो देखा जाए तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है एक तरह से। चलो ये तो ला दिया, कम से कम बस इसमें लागू हो जाए और जल्द से जल्द नौकरी दे झारखंड सरकार, ठीक है। खाली बोलने से अब नहीं होगा अब, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।